यवतमाल वाशिम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट से बतौर लोकसभा प्रत्याशी पूर्व क्रीडा राज्य मंत्री संजय देशमुख के नाम पर मुहर लग गई है। संजय देशमुख के नाम की अधिकृत घोषणा की खबर मिलते ही दिग्रह शहर के उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने पटाखे फोड़कर हर्षोल्लास के साथ खुशी का इजहार किया। यवतमाल वाशिम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट से बतौर लोकसभा प्रत्याशी पूर्व क्रीडा राज्य मंत्री संजय देशमुख के नाम पर मुहर लग चुकी है। संजय देशमुख के नाम की अधिकृत घोषणा होते ही यवतमाल वाशिम लोकसभा क्षेत्र के साथ ही दिग्रस तहसील और दिग्रस शहर में उनके समर्थकों ने जल्लोष किया। इस दौरान दिग्रस शहर के आर्नी नाका पुल परिसर में संजय देशमुख समर्थकों ने बड़ी संख्या में इकट्ठा आते हुए पटाखे फोड़कर अपनी खुशी का इजहार करते हुए उद्धव बालासाहेब ठाकरे शिवसेना और महाविकास आघाड़ी का शुक्रिया अदा किया और विश्वास जताया कि संजय देशमुख ही लोकसभा चुनाव जीतेंगे और उन्हें जिताने के लिए हर संभव प्रयास का आश्वासन भी उनके समर्थकों ने दिया। संजय देशमुख के समर्थकों ने संजय देशमुख के समर्थन में पुरजोर नारेबाजी भी की। इस दौरान संजय देशमुख के कार्यकर्ता और समर्थकों ने गले मिलकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। तो बाला साहेब ठाकरे ने जो शिवसेना प्रमुख है उन्होंने दिग्रस के लाल संजय देशमुख इनके ऊपर जो जिम्मेदारी दी है और लोकसभा के लिए उनको चुना गया है उस खुशी में सब दिग्रस वासी हम मिलकर ये जल्लोष और ये खुशी मना रहे हैं जो कि हमारी आवाज यवतमाल वासिम लोकसभा से लेकर से दिल्ली तक के पहुँचाने वाले आदमी दिग्रस के रहने वाले संजय देशमुख साहब को टिकट देकर हमारे को जो खुशी का मौका उन्होंने दिया है इसमें और हमारे शरद चंद्र जी पवार साहब महाविकास आघाड़ी के और राहुल जी गांधी साहब ये सभी लोगों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उनको चुना कर देने के लिए हर संभव कोशिश कर हमारी दिग्रस की आवाज इस मतदार संघ से दिल्ली तक पहुंचाने की हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। बतौर प्रत्याशी संजय देशमुख अपने लंबे राजनीतिक अनुभव और संगठन कुशलता के दम पर वोटरों को रिझाने और जीत का सहरा अपने सर पर बांधने में क्या दमखम लगाते हैं। एनबीसी न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।